Hey guys, so welcome our first vlog. और आज मैं हूँ बनारस शहर में और बनारस शहर का पहला vlog जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ. आज मैं बनारस शहर का vlog बनाने वाला हूँ. मैं पूरा बनारसी गेटअप में हूँ, पूरे धोती कुर्ता में. ये बनारस की गलियाँ जो कि छोटी मोटी गलियाँ हैं बाय द वे, और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आगे. तो अब हम बनारस को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस टोटो से जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है. और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी हम कुछ खाएंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. तो अब हम उतर गए हैं अपने रेस्टोरेंट के पास जहाँ पर हमें जाकर खाना है. और ये मेरा भाई पैसे दे रहा है और ये थे हमारे ऑटो वाले भैया. भैया बनारस के हैं? बनारस के हैं. बनारस के बारे में कुछ बताइए ना. फिर माटी जहाँ की पारस हो रजा शहर वो अपना बनारस है. चलो भैया, तो बनारस शहर को हम और एक्सप्लोर करेंगे. तब तक हम चलते हैं पेट पूजा के लिए. सो हियर वी गॉट द पेट पूजा इंतजाम. सर प्लीज सर्व कर दीजिए. आप नहीं दिख रहे कैमरे में. पता ही लड़का मेरे साथ क्यों आया है, सिर्फ खाने के लिए आया था. और अभी देखो खाए जा रहे. देखो अभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने के लिए आता है लड़का. और काम करने के नाम पे कुछ नहीं, जीरो. तो ये अब किया मैंने साइकिल रिक्शा और अब हम चल रहे हैं किसी और लोकेशन पर जो आपको दिखाना है. हमें अच्छे अच्छे लोकेशन हम कोशिश करेंगे दिखा सके आपको. और शिवरात्रि में कितनी तैयारियां हो रही हैं बनारस शहर में, बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां हो रही हैं, तो वो भी दिखाएंगे मैं आपको. हमारे साथ आप बने रहिए. इतना दूर मिट्टी उड़ रहा है कि मेरा हालत ही खराब हो चुका है. मेरा दुपट्टा चुन्नी तो ऐसा उड़ रहा है ना. हैंडल कर लेते हैं. ये चुन्नी मेरा उड़े जा रहा है. लड़कियां कैसे संभालती हैं चुन्नी, कैसे संभालती हैं? सो अभी मैं बनारस में बताया कि बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं. उनमें से एक मंदिर एक और है जो मेरे सामने है, बनखंडी महादेव जी का मंदिर. ये देख सकते हैं आप पीछे. मंदिर बंद है अदरवाइज मैं आपको अंदर से भी दर्शन कराता. काफी बड़ा मंदिर है, काफी अच्छा है. और बनारस के बारे में बहुत सारी चीजें अभी मैं आपको घाट पर ले चलूंगा, तो वहां पर आपको पता चलेगी कि एक्चुअल बनारस क्या है. सो वेल, अभी हम आ चुके हैं बोट पर और अब हम मे भी जाने वाले हैं उस साइड. डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन पर. हैव अ लुक बैक साइड. ये है अपना रियल बनारस जो कि आप 80 घाट पर आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा. घाट के उस पार नाव जाती है 40 रुपए में ना. कितने में जाती है? 40 में जाती है. यही चलाता है नाव. अब वो मत करो. अरे ये तो वो वाला है. हाय गर्मी. ये हमारे विवेक केसरी को खींचते हुए कैमरामैन. बहुत प्यार है इन दोनों में. ये अंकल जी भी आ गए उनकी हेल्प करने के लिए. ये है जैन घाट और आगे बहुत सारे ऐसे घाट है. 360 घाट है ना. मोर देन 360 घाट है. तो एक एक दिन भी घूमेंगे ना हम अगर साल में. मेरा मुंह आ रहा है? तुम्हारा मुंह आ रहा है, पूरा आ रहा है. अगर हम घूमेंगे ना एक एक घाट को तो हम कभी घूम नहीं सकते. तो एक दिन में 10-10 घाट घूमने का प्लान बना कर आना. कहते हैं ना बनारस में महाकाल का भौकाल है. महाकाल की धरती वाकई बनारस है. आप कभी आओगे तो आप फील कर सकते हो कि यहाँ पे सच में शिव जी का वास है. देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ. छोटे छोटे बच्चे कितना प्यार करते हैं महादेव से और कितने मेहनत से बना रहे हैं. ये बहुत ही प्यारा है. तो अभी मैं हूँ बनारस के घाट पर और बनारस के घाट पे बहुत सारे फॉरेनर्स मिलते ही हैं. वेयर यू फ्रॉम? फ्रॉम बेल्जियम. बेल्जियम. एंड यू? फ्रांस. फ्रांस. ओके, तो मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ पाक्सी मिकी? C'est parti mon kiki. Yes. Like hey, cello, cello. It's parti. Oh, yeah. Let's go. So can you guys speak in Hindi? Tola tola. Mera Hindi. Namaste. Mushkil. Bahut mushkil hai. Oh. Okay. So I'm just going to tell you one sentence. You have to say in Hindi. Fine. You have to say Bharat. Bharat. Mata ki. Bharat mata ki. Jai. Bharat mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. Yes. Salute. Salute. Thank you so much. और बहुत घूम लिया आज मैं बनारस अकेले अकेले और आज मुझे बहुत कम पहचानने वाले लोग मिले.
क्योंकि मैंने ऐसा वेशभूषा धारण किया था। बहुत सारे कमेंट्स भी आए मुझे आज कि हाय क्या लग रहे हो, कितना बढ़िया लग रहे हो। तो कुछ लोगों ने बोला कि लहंगा चोली पहन उसमें से एक मैं भी थी जिसने फर्स्ट कमेंट किया था, ये लड़की और वो मेरा लड़का वाला फ्रेंड। और ये आप इसका लहंगा देख सकते हैं, पर ये इस लहंगे में लग बहुत प्यारा रहा ये कथा करने। और फोटोशूट के बाद अब हम बनारस को और एक्सप्लोर कर रहे हैं घाट से वॉक करके, है ना। खैर ये पता है किस लिए आई थी, बेसिकली बता ना किस लिए आई थी तू, फोटोशूट के लिए। और क्या किया तुम, हमें स्पॉट ज्यादा बना के रख दिया। नहीं नहीं एक्चुअली ना मतलब ये फोटोशूट करा रही थी और हमारे पास सामान, फोन पकड़ो, पानी लाना, बस यही सब। हियर इज द एक्चुअल जलपरी जो कि पानी में ही खड़ी रहती है हाथ जोड़ के। गिर जा, कूद कूद जा, अभी आने के बोलो। क्या शादी नहीं हुआ है? अच्छा इस लड़के का शादी नहीं हुआ है यार, कूद जा ना, नहीं कूद सकता। जलपरी से शादी कर लेना। ओह नो, अरे जलपरी नहीं जलपरा है। कल पूरे दुकान लगे हुए, शिवरात्रि का माहौल जोरों शोरों से चल रहा है और काफी डांस वांस भी लोग कर रहे हैं। रात में बहुत ज्यादा यहाँ पे नाचने वाले हैं लोग, पूरे रात भंड हो गए। इतना खूबसूरत है हमारा काशी, हमारा धरती पर एक ऐसा शहर भी है जिसकी खूबसूरती हर एक कोने कोने में दिखाई देती है। तो गाइज ये था फाइनली आज का हमारा व्लॉग, और अभी हम व्लॉग ख़त्म करके पैकअप वैकअप करके कॉफ़ी पी रहे हैं। मैंने किया है हॉट कॉफ़ी क्योंकि लड़कों को हॉट पसंद होती है, लड़कियों ने किया है कोल्ड कॉफ़ी इस लड़की ने जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। और बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बनारस को एक्सप्लोर किया और काफ़ी अच्छा जगह है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया और अक्सर मैं आता रहता हूँ, तो बहुत मज़ा आया। और वीडियो को पूरा देख लिया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लव यू ऑल, वाह।